आने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है पापा। रॉकी, बुजदिलों की गर्दनों में मौत का तौब पहनाना हमारी ड्यूटी है पापा। डैडी, जो लोग हमारी तंजीम के मकाम को ना समझे हम उनके सीने पर मौत के तमगे सजा देते हैं पापा। और तंजीम के हर आदमी के लिए इनकी मौत मकाम इबरत है। आजा वर्जे चंडाल साहब। ओ समद भाई, आओ आओ, खड़े क्यों? शुक्रिया शुक्रिया चंडाल जी, इंसानी जिंदगी आपके लिए खिलौनों से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। आप जब चाहते हैं किसी सरकश बच्चे की तरह जिंदगी के महल में तोड़ फोड़ का काम शुरू कर देते हैं। अब तो आपके खूनी कारनामों का जिक्र सुनकर मौत भी थर थर कांपती है, थर थर। आप तो जानते हैं समद भाई, जो लोग नाकारा हो जाएं मैं उन्हें नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर देता हूं। खैर छोड़िए इन बातों को, आप सुनाइए गोल्ड की मंडी में ज्वार बाटा कुछ कम हुआ या अभी बाकी है? सुनहरी दुनिया का एक काला स्मगलर मिस्टर ब्लैकी सोने की ताजा तरीन खेप लेकर कुछ ही दिनों में यहां पहुंच रहा है। खालिस सोने का ये स्मगलर रकम डॉलर्स की सूरत में मांगता है। सौदा अगर तय हो जाए ना चंडाल जी, तो मेरे 10% का ख्याल रखना। जो लोग जान हथेली पर रखकर मेरे लिए मौत का धंधा करते हैं मैं उन्हें हमेशा खुश रखता हूं समद भाई। आपको आपका 10% जरूर मिलेगा। चंडाल जी, काली दुनिया के दो ऐसे नाम हैं जिनका मैं आशिक हूं, एक आप और दूसरे चानकिया जी। आप गोल खरीदते हैं और चानकिया जी सफेद पाउडर खरीदकर मुझे 10% कमीशन अदा करते हैं। मैं तो कहता हूं चंडाल जी, आप भी सफेद मौत खरीद लिया करें, मुनाफा डबल हो जाएगा डबल। नहीं समद भाई, हम दोस्तों के कारोबार में दखल अंदाजी नहीं किया करते। आप ब्लैकी से राब्ता कायम करें। Thank you.
वकील महमद ने ये मुकदमा अपने हाथ में लेकर हमारी ताकत के मुंह पर अपने चैलेंज की ठोकर मारी है। उसे इसका खुमियाजा भुगतना होगा। पापा, मैंने सुना है कि वो अपने दलाल से मुजरिम को फांसी के तख्ते तक पहुंचा देता है। मगर वकील ये नहीं जानता कि इस बार वो काली दुनिया के भेड़ियों से उलझ गया है। इससे पहले कि वो अदालत में बोले, हम उसका मुंह बारूद से भर देंगे। ये तो सब ठीक है पापा, लेकिन हम तीनों ने यह फैसला किया है कायदा हम सरेआम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। ना सिल्ला ना, गलत सोचों को जेन में जगह मत दो भाई। खूबसूरत खिलौनों से खेलना हमारे बेटों की शान है। मगर एक बात याद रखो, खिलवाड़ जरूर करो मगर खिलौना टूटने ना पाए। थैंक यू पापा, आपकी यही बातें तो हमारे इरादों को जिंदगी देती हैं। लेकिन इस बार कानून और जुर्म का बड़ा सख्त मुकाबला है। कम ऑन, डोंट वरी माई सन, डोंट वरी भाई। कानून की और मेरी आंख मचोली का सिलसिला परसों से जारी है। जब भी कानून के समंदर में कोई तूफान आता है, मैं अपने जुर्म की कश्ती को साहिल पे लगा देता हूँ। इससे पहले कि कानून हमारे दरवाजे पे फरियादी बन के आए, तुम तीनों जंगल वाले पुराने बंगले में ऐश करो। नाम है मेरा, और तुम जैसे गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना मेरा पेशा है, यानी वकालत। कोई और सवाल? सलीम अहमद हाकी वाले, अब हम सवाल नहीं तुम्हारी खाल खींचेंगे, इसलिए कि हमारी प्राइवेट जिंदगी में कोई तांग छांग करे तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। जिंदा रहना नामुमकिन मेरा नहीं, तुम्हारा है। क्योंकि कॉलेज की मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने के बाद तुम तीनों का कत्ल इस मुल्क के हर बागैरत नौजवान पर वाजिब हो चुका है। लेकिन मैं तुम्हें जान से मारूंगा नहीं, सिर्फ अदालत में पेश करूंगा कुत्ता। स्टेशन, योर ऑनर,
जान के असैट इस मुल्क के बड़े बिजनेसमैन और मोजस शहरी है। मुद्दा अलैन थाने में जो FIR लिखवाई है उसके मुताबिक चन के सेठ के बेटों पर इल्जाम है कि उन्होंने मोरखा 2 जुलाई को जंगल में लड़कियों के साथ ज्यादती की। मगर मेरे पास पासपोर्ट की कॉपियां और इमिग्रेशन रिपोर्ट मौजूद है योर ऑनर, जिसके मुताबिक चन के सेठ के बेटे 24 जून को लंदन के लिए परवाज कर गए। और ये फाइल, इसमें तमाम सबूत मौजूद है सर। योर ऑनर, इन लड़कियों की साजिश मेरी समझ में आ चुकी है। ये जो अपने आप को बहुत मजलूम साबित कर रही हैं, दरअसल ब्लैकमेलर है जो चांद के असेट की बेशुमार दौलत हथियाना चाहती है। लिहाजा मेरी मौजूद अदालत से दरखास्त है कि चांद के असेट के बेटों से मुकदमा खारिज करके इन पर मुकदमा कायम करें और इनको कड़ी से कड़ी सजा का मुस्तक ठहराकर कानून के साथ खेलने वालों को कानून की अहमियत का एहसास दिलाए। मुझे उम्मीद है योर ऑनर कि मुद्दा अलह के वकील मिस्टर सलीम अहमद शिकस्त के खौफ से अदालत में नहीं आएंगे। दैट्स ऑल योर ऑनर। हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, अस्तगासा ने सेठ चांदकिया के खिलाफ FIR लिखवाकर उनकी शख्सियत को मस्क करने की कोशिश की है। लिहाजा अदालत FIR से सेठ चांदकिया के बेटों का नाम खारिज करती है और फ्रॉड के जुर्म में इन लड़कियों को। ठहरिए योर ऑनर, मैं इस मुकदमे के असल मुजरिमों को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मैं वकील होने के नाते इस केस की मुकम्मल तफ्तीश कर चुका हूं योर ऑनर। ये इस मुल्क की एक VIP शख्सियत के बेटे हैं, लेकिन VIP शख्सियत के बेटे होने का हरगिज यह मतलब नहीं कि लोगों की इज्जत से खेलना अपना फर्ज समझे या हक समझे। इनकी पहुंच का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं योर ऑनर कि इन्होंने जाली पासपोर्ट और जाली इमिग्रेशन रिपोर्ट बनवाकर कानून को धोखा देने के लिए इस मौजिस अदालत में बिला झिझक पेश कर दिया। योर ऑनर, वकालत का पेशा बिकाऊ नहीं है बल्कि हकायक की वो दूरबीन है जिसे लगाकर हर वकील केस की गहराइयों में झांकता है। लेकिन अफसोस कि इस केस में ऐसा नहीं हुआ बल्कि मौजिस वकील सफाई ने हकायक को छुपाते हुए अदालत को धोखा देने की कोशिश की। मैं जानता हूं योर ऑनर कि दुनिया का कोई कानून इन लड़कियों की लुटी हुई इज्जत को वापस नहीं ला सकता जिसे इन दरिंदों ने लूटा है, लेकिन इनके मां बाप के सीनों पर लगे हुए बेइज्जती के जख्मों का मरहम जरूर बन सकता है। मैं अदालत से इंसानियत के नाम पर अपील करता हूं योर ऑनर कि हकायक को सामने रखते हुए इन मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा सुनाकर कानून की ताकत का प्रचार करें। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजम जबला, सरला और अबला का जुर्म साबित हो चुका है। लिहाजा अदालत इन तीनों मुजरिमों को 25 लाख रुपए जुर्माना और 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाती है। की बात क्या हो सकती है सलीम, कि तुम्हारी वजह से उन मजलूम लड़कियों को इंसाफ मिला, इसीलिए तो मुझे अपनी पसंद से नाज है। एक्सक्यूज मी, लेकिन मेरी पसंद और सोच तुमसे कुछ मुख्तलिफ है। वो क्या? वो ये कि ये ठीक है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मेरी पसंद पुराना मानना, मेरी पसंद तो शायद तुम ही हो। क्या सोच रही हो? अब क्या इरादा है? जीवन का हर एक लम्हा, जीवन का हर एक लम्हा तेरे नाम लगा दूंगी मैं, रात सुहानी बनके तेरे खाब
जानकिया जी, ये एडवोकेट सलीम अहमद का नाम जिंदगी की किताब से खारिज कर देना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। उस जैसे कानून के इतना कीड़े को मसला तो जा सकता है समझ भाई, लेकिन इस जैसे छोटे छोटे लोगों के मुंह लगना मुझे जेब नहीं देता। दफा कीजिए, ये बताइए कि आप आए कैसे? जानकिया जी, बात दरअसल ये है कि सोने की दलाली में मुंह सुनहरा करना चाहता हूँ। अरे वाह वाह, आजा वर्दे। सात समंदर पार से सोने का बहुत बड़ा स्मगलर मिस्टर ब्लैकी आज यहाँ पहुँच रहा है। चंडाल साहब से तो उसका सौदा तय हो चुका है, अगर आप कहें तो आपका मामला भी फिट कर दूं। हाँ क्यों नहीं भाई, अगर माल ठीक और आदमी एतबारी है तो हमें क्या एतराज। तो बस ये समझिए कि मामला तय हो गया, मगर वो मेरा 10% कमीशन। लो बताओ भाई, ये बात तुम्हारे कहने की नहीं, हमारे करने की है, और मैं तो तुम्हारा कमीशन हमेशा एडवांस देता हूँ। ना वो तो मुझे पता है चांदकिया जी, बस यूँ समझिए कि आपका मामला तय हो गया। ओहो, मुझे तो बड़ी देर हो रही है, वो मिस्टर ब्लैकी का जहाज आसमान से जमीन पर लैंड करने ही वाला होगा। मिस्टर ब्लैकी, हमें यकीन है आपका सफर खुशगवार गुजरा होगा। काले धंधे में खुशगवार मंजर देखने और सोचने की मोहलत ही नहीं मिलती, वो इसलिए कि हम अपना कारोबार मौत की हथेली पे करते हैं। वेरी गुड मिस्टर ब्लैकी, आपके मुतालिक जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया। पूरे ग्लोब पर आप जैसे स्मगलर की हुकूमत होनी चाहिए। थैंक यू। अगर आप जैसे दोस्तों का साथ रहा तो फिर हमारे धंधे को कभी जवाल नहीं आएगा। हिबा हिबा हौले हौले, अरूज और जवाल की कहानियां हमें जबानी याद है मिस्टर ब्लैकी। तुम हमें गोल्ड दिखाओ, हम रकम डॉलर की सूरत में लेकर आए हैं। हमारी नीयत पे शक मत करो, हमारे धंधे के उसूलों के सामने माफिया जैसी बैन अल-अक़वामी तंजीम ने भी घुटने टेक दिए। मिस्टर याद रखना, ब्लैकी डिलीवरी का माल हमेशा अपने आने से पहले मौके वारदात पर भेज देता है। हिबा हिबा हौले हौले, माल का आना देखकर तुम लोग हैरान रह जाओगे। दोस्तों, माल पर एक नजर डालने के लिए जरा अपने पीछे तो देखो। You are all under arrest. Who are you? I'm not Blackie the smuggler. I'm DSP Imran Khan.
कमाल है डीएसपी साहब, आपने रूप बहरूप का अच्छा चकमा दिया है। ये सब क्या है? डीएसपी इमरान खान। इमरान? रजिया का पुत्र है ना? आहो फिर तो तू साडा ही पुत्र होया। तेरी अम्मी पहले मेरे नाल मंगजोई सी। पलने वाले बच्चे बहुत सिटी होते हैं ऑफिसर। तुम्हारे तशद्दुद की एक्सरे मशीन मेरे अंदर का फोटो नहीं खींच सकती। खैर छोड़ो इन बातों को, अगर तुम चाहो तो मैं सोने की ईंटों से तुम्हारा मुजस्सिमा बनवा दूंगा। मेरा नाम डीएसपी इमरान खान है। मैं कानून के आसमान पर कोई जुर्म का परिंदा उड़ता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हें सब कुछ उगलना होगा ब्लैकी। बताओ तुम्हारे धंधे की काली डोर किस पर्दानशी के दामन से बंधी हुई है, बताओ। बुराई के भी कुछ उसूल होते हैं ऑफिसर। हम जैसे लोग अपनों के चेहरों से नकाब उतारने लगे तो फिर हमारी बिरादरी की नफरी कम हो जाएगी। ठीक है, तुम जबान खोलोगे ब्लैकी। गले में घंटी बांधने के बजाय मैं तुम्हारी जिंदगी का पत्ता ही काट दूंगा। सुनो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुम्हारी मनहूस जबान ना खुली तो यह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। 1।
जिसने कानून की वर्दी पहनकर लाकानूनियत की है डीएसपी साहब, इसलिए मुझे मजबूरन बारूद चलाना पड़ा, वरना ये भाग जाता। बेवकूफ हो तुमने इसे गोली मार के कानून के हाथों से एक अहम सबूत छीन लिया। नालायक, अहमक, स्टूपिड। अब मुझे जराइम की दुनिया में दाखिल होने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ब्लैकी और पटेल की मौत कानून का वो पहला कदम है जो चंडाल की तरफ उठा है। अगर मैं पटेल को गोली ना मारता तो डीएसपी इमरान का तशद्दुद इसके सीने की बंद खिड़की में हाथ डालकर आपके नाम की फाइल निकाल लेता चंडाल साहब। ओ नो! एक मामूली पुलिस ऑफिसर हमारे नाम और मुकाम की तरफ आंख उठाकर देखे, ये हमारी तोहीन है। चल लीजिए हमारे लिए। लो बताओ भाई चंडाल साहब, जितनी जल्दी हो सके डीएसपी इमरान को अपना तारुफ करवा दीजिए, वरना वो बेखौफ होकर हमारे गिरफ्तारों में हाथ डाल देगा। आधा बर्दे चंडाल साहब, इस खाकसार को कैसे याद फरमाया? समझ भाई, इससे पहले कि तुम्हारे छोटे भाई डीएसपी इमरान के अंदर के जज्बे हमारे धंधे का दायरा तोड़कर हमारे अंदर आने की कोशिश करे, उसे समझाओ। समझ भाई, उसे समझाओ। वो अपने फर्ज के नशे में जितने कदम हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, हम उसे उतना ही गहरा जमीन में दफन कर देंगे। करना नहीं चंडाल साहब, मैं उसे समझाऊंगा, वो नादान है। मैं उसे बताऊंगा कि मेंढक हाथी को लात नहीं मार सकता। मुझे एक मौका और दीजिए। मैं अपनी और तुम्हारी दोस्ती के सफेद दामन पर तुम्हारे भाई के लहू के निशान नहीं देखना चाहता। समझ भाई, इसलिए कि मैं अमन पसंद हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं कि अपने भाई को समझाओ। समझाओ अपने भाई को। समझे तो ठीक, नहीं समझे तो खुद ही गोली मार देना। मियां, ओ मुंह चुक के किधर जा रहे हैं? अद्धी रात दे टाइम ते बिस्तर बोरिया जिया बन के कित्थों आ रहे हैं? दुश्मन की कैद से फरार होकर आया हूं। तेरी गलती कुछ समझ नहीं आई, की नाम तेरा? मेजर शेर अली। यल्ला बचाई। गल कुछ इस तरह है कि आजकल कुछ चोर किस्म के लोग पुलिस दिया वर्दियां पा के वैगना लूट लेंदे ने, और कुछ लोग मिलिट्री दिया वर्दियां पा के जहाज अगवा कर लेंदे ने।
आपस की गले मैनू बिरादर तू भी कुछ मुश्तबा किस्म का आदमी लगना है। ये पल्ले को माल पानी आएगा ये तो इतने दोनों बिरा मुक मुका कर लेने हैं। करम मेरे मालिक। लो भाई जवानों ये बंदा जेड़ा अपने आप नु मेजर कह रहा मैनू कोई पैरूपिया लगता है सिद्धी तरह इनू फड़ लो और मेरे पीछे पीछे पांडे साहब को लेके चलो वो इनू आप ही सीधा कर लेंगे। सीधी तरह बता दो तुम किस मुल्क के जासूस हो? मैं जासूस नहीं इंस्पेक्टर, मेरा नाम मेजर शेर अली है। तेरा ये जवाब इंस्पेक्टर पांडे को मुतमईन नहीं कर सकता, सीधी तरह बताओ नहीं तो खाल खींच दूंगा। इंस्पेक्टर अगर पुलिस वालों की आंखें अच्छा और बुरे की शिनाख्त खो बैठी हैं तो फिर इन आंखों को फोड़ देना चाहिए। बकवास बंद करो, तुमने मुझे आंखें फोड़ने का मशवरा दिया है, अब पुलिस का लाठीचार्ज तुम पर जरूरी हो गया है। थानेदार बैरक के जवानों को बुलाओ कि आज की बॉक्सिंग की रिहर्सल मेजर शेर अली पे होगी। इंस्पेक्टर तुम जो ज्यादती कर रहे हो ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। पुलिस महंगा और सस्ता नहीं देखती, सिर्फ अपना काम करती है। तुम पुलिस वाले इंसानी जहनों पर अपने खौफ की मोर लगाकर उनके जहनों को मफलूज करना चाहते हो। जवान तारुफ कुछ देर बाद तुम्हारा हमला तुमसे करवाता लेकिन तुम अचानक बीच में अटके हो। पांडे कौन बदतमीज है ये? खुद को साहब का मेजर बताता है सर। मैंने तुम्हारे हमले को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम एक फौजी हो? मेरा सबूत मेरे मुल्क के दुश्मनों के पास है जिनके में बारूद उतार कर मैं उनकी सजा काट कर आ रहा हूं। पांडे मेजर साहब के खिलाफ पर्चा काटो कि इन्होंने थाने में हंगामा किया और इन्हें अदालत में पेश करो ताकि इन्हें पता लगे कि कानून सबके लिए बराबर है। के मुल्ज़िम शेर अली फौज का मेजर नहीं बल्कि वो जासूस है जो हमारे मुल्क के कीमती राज गैर मुल्की एजेंटों को फराहम करता है। इस सियाकार की चोरी और सीना जोरी तो मुलाजा कीजिए योर ऑनर कि इसने थाने में तफ्तीश के दौरान अपनी कमांडो ताकत का मुजाहरा करते हुए कई सिपाहियों को जख्मी कर दिया। लिहाजा मेरी मुअस्सिस अदालत से दरखास्त है कि इस नाम निहाद मेजर पर फर्द जुर्म आयद करके थाने में की गई गुंडागर्दी और जासूसी करने के इल्जाम में ऐसी सख्त सजा सुनाई जाए जो ऐसे कानून शिकनों को कानून की बालादस्ती का एहसास दिला सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील सफाई अगर कुछ कहना चाहे तो। जज साहब वकील सफाई से पहले मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? मैं वो सिपाही हूँ जज साहब जो सरहदों पर कुर्बान ना हो सका और दुश्मन का कैदी बनकर उनके जुल्म की सूरी पर लटक गया। मैंने मुसलसल 5 साल तक दुश्मन की कैद में एक अजाब की सूरत देखी है लेकिन वतन की मट्टी चूमने के जज्बे ने मुझे फरार का मशवरा दिया।
और मैं अपने पुरजोश कदमों से नदी नाले पहाड़ और दरिया फलांगता हुआ यहाँ पहुंचा। लेकिन यहाँ आकर मुझे अफसोस हुआ जज साहब कि मैं दुश्मन की कैद में मर जाता तो बेहतर था, लेकिन यहाँ ना आता। इसलिए जज साहब कि यहाँ पुलिस ने जगह जगह खौफ की सलाखें गाड़ कर हर गली हर बाजार को हवालात बना दिया है। मेरी कानून तानों से यह दरखास्त है जज साहब, जहां पुलिस वालों को वर्दी देकर उनके कांधों पर फूल, उनके सीनों पर मुहाफिज होने के तमखे सजाते हैं, वहां उन्हें वो आंखें भी दीजिए जो गुनाहगार और बेगुनाह को पहचान सके। जज साहब, सरकारी वकील साहब जो काला कोट पहनकर सच्चाई की सफेदी से आंखें चुरा लेना चाहते हैं, इनसे पूछिए कि इनके पास क्या सबूत है कि मैं किसी और मुल्क का जासूस हूं। इनसे पूछिए जज साहब, इन्होंने कितने गुनाहगारों को अपनी कानूनी कार्रवाई से बेगुनाह साबित किया है और कितने बेगुनाह रोजाना इनके कानूनी नुक्तों का फंदा अपने गले में डालकर फांसी के तख्ते पर चढ़ते हैं। जज साहब, वकालत के मुअज्जज पेशे का भरम सिर्फ चंद वकीलों ने रखा है। जज साहब, पांडे जैसे पुलिस ऑफिसर को इस थाने में नहीं किसी सलाटर हाउस में होना चाहिए, वरना जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इंसानियत चीखती रहेगी और मजलूम आवाम फरियाद बनकर कचहरियों के तरह दीवार से इसी तरह सर टकराते रहेंगे, और वकील साहब जैसे मेहरबान इंसाफ मांगने वालों को जेल और तख्तादार की जीनत बनाते रहेंगे। एडवोकेट मिस्टर सलीम अहमद, अदालत आपको मुल्जम शेरली की सफाई में बोलने की इजाजत देती है। थैंक यू योर ऑनर। आप मेरे मौकिल के जबान से फूटा हुआ आतिश फिशां सुन चुके हैं, और ये आतिश फिशां हर उस इंसान के सीने में मौजूद है योर ऑनर, जो सच्चा है और जिसे इंसाफ नहीं मिलता। योर ऑनर, मेजर शेर अली को आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुल्जिम शेर अली के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिसकी वजह से इसे अदालत में मेजर कहकर पुकारा जाए। योर ऑनर, मेरे फाजल दोस्त शायद इस बात को भूल जाना चाहते हैं कि मैं आज तक इस मौजूद अदालत में कोई ऐसा केस लेकर नहीं आया जिसमें मुलजिम 100% सच्चा ना हो। मेरा वकालतनामा हमेशा बेगुनाह की तरफ से इस अदालत में जमा किया जाता है। यह वो फाइल है योर ऑनर जिसमें मेजर शेर अली की बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मेजर होने तक के तमाम कागजात मौजूद है। योर ऑनर, मेजर शेर अली हमारी बहादुर और दिलेर फौज का वो सिपाही है जिसने मुल्क की हुर्मत और इज्जत की खातिर अपनी जिंदगी के 5 साल दांव पर लगा दिए। योर ऑनर, ये दुश्मन की कैद में मुसीबतें झेलकर भी अपने वतन के राज अपने सीने में छुपा कर ले आया, जिसमें ये अपनी जान भी गंवा सकता था। ये उन अजीम इंसानों में से है जिनकी किरदार की रोशनी में नई नस्ल अपनी मुस्तकबिल की राहें तलाश करती है। ऐसे लोग जिल्लत के नहीं इज्जत के हकदार हैं, ये सजा के नहीं इनाम के हकदार हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं योर ऑनर कि मेजर शेर अली को बाइज्जत तौर पर बरी करते हुए इंस्पेक्टर पांडे से तहरीरी माफीनामा लिखवाए जिसे वो अपने हाथों से मेजर शेर अली को पेश करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुकदमे की कार्रवाई और वकील सफाई की पेश करदा फाइल पढ़ने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मेजर शेर अली जासूस नहीं वतन का मुजाहिद है, लिहाजा अदालत मेजर साहब को बाइज्जत तौर पर बरी करती है।
नाराज हो गए। अच्छा बाबा माफ कर दो, आइंदा के लिए हमेशा वक्त पर पहुंचूंगी। झूठ मत बोलो महक, मैं तुम्हें कॉलेज लाइफ से जानता हूं, तुम हमेशा वक्त पर आने का वादा करती हो लेकिन कभी वक्त पर नहीं आई। प्लीज इमरान इस बार माफ कर दो। अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम यहां अकेली बैठकर लहरें गिनो और मैं चलता हूं। हम तू है अकेले और मौसम है दीवाना, हम तू है अकेले और मौसम है दीवाना, प्यारी की कोई गलती कर ले, कोई गलती कर ले, कर ले जाना जाना, सीने लाल है ये ठंड पाल है, सीने लाल है ठंड पाल है। हम तुम है अकेले और मौसम है दीवाना, प्यारी जी कोई गलती कर ले, प्यारी सी कोई गलती कर ले, कर ले जाना जाना, सीने लाल है ये ठंड पाल है, सीने लाल है ठंड पाल है।
कानून जेल की दीवार तो तुम तोड़ ही चुके हो, कानून की ये दीवार फलांग कर तुम लोग फरार नहीं हो सकते। यू आर ऑल अंडर अरेस्ट। जाओ दोस्तों, हमारी दोस्ती किस दिन काम आएगी? जाओ! होठों से चुप का ताला तोड़कर मुझे ये बताओ मां, ये मुन्ना सुनो शाम कहां रहता है? मां की दुखों की लाश से पर्दा मत खींचो बेटा, बस इतना जान लो कि तुम दुश्मनों की कैद में अपने मुल्क का भला सोचते रहे और इस मुल्क के दुश्मन नई नस्ल के लिए नशे की जमीन खोदकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता दमन करते रहे। मुन्ना, मुन्ना हेरोइन के नशे का आदि हो गया है। नहीं नहीं माँ, आपको धोखा हुआ है माँ, मेरा छोटा भाई अपनी जिंदगी को ऐसे तबाह नहीं कर सकता। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैंने उसे बहुत समझाया है मगर वो मेरी कोई बात नहीं मानता, नहीं मानता। आप फिक्र न करें माँ जी, मैं अपने छोटे भाई को धुएं की कब्र में नहीं उतरने दूंगा। मुझे यकीन है वो मेरा कहना मानेगा, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूँ, अभी ढूंढ कर लाता हूँ माँ। बताता हूँ बताता हूँ, तुम्हारा भाई ग्रीन क्लब में मिलेगा। ग्रीन क्लब? मुन्ने, खुदा के लिए एक सेकंड मुझे दे। मुन्ने, मुन्ने, हटो यार, क्यों तंग करते हो तुम? एक सिगरेट पिला दो, एक सिगरेट। मुन्ने, होश में आ मुन्ने, होश में आ, होश में आ मुन्ने, मेरी तरफ गौर से देख, मैं तेरा बड़ा भाई शेरली हूँ मुन्ने, शेरली। भैया, भाईजान, भाईजान इनको कह देना कि एक सिगरेट मुझे दे दे, मैं सिर्फ एक सिगरेट पीना चाहता हूँ, एक सिगरेट पी लूँ ना फिर दोनों घर चलेंगे। हाँ नहीं मुन्ने, मैं तुम्हें ये सफेद मौत नहीं पीने दूंगा। नहीं नहीं, ये मौत नहीं जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। नहीं मुन्ने, मैं तुम्हें नशे की तलतल में उतरते हुए नहीं देख सकता। तुम मत देखो, मत देखो ना, जाओ जाओ, मेरा तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हें, कौन हो तुम? मुन्ने, जो हीरोइन से रिश्ता जोड़कर
अपनों को अपना मानने से इनकार कर रहा है। चलो, अगर काग बनकर आए हो तो अपने भाई के साथ बैठकर नशे के समंदर में होते लगाओ, और अगर इसे कोई सीधा रास्ता दिखाना चाहते हो तो यहां से खामोशी से चले जाओ। हमारे बिजनेस में कोई दूसरा टांगड़ा है तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस तबाही के अड्डे के मालिक तुम हो। अगर अब तुमने जरा भी जोरावरी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे भाई की खोपड़ी में अंतिम सुराख कर दूंगा। समझ गए हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? हां आप हमारे मुल्क के नौजवानों को मलेशिया से बचाना चाहते थे, मगर हम तुम्हें माफिया का आती बनाकर अपने सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर देंगे। Thank you.
के दलदल में पलने वाले बिच्छू रात के अंधेरों में भी अपने दुश्मन को पहचान लिया करते हैं मिस्सीरे। यहां तो बहुत रोशनी है। हमारे नाजायज धंधे के वजूद पर अगर कानून का कोई भी कीड़ा रींगने की कोशिश करे तो उसकी मौत यकीनी हो जाती है। अबला ठीक कहता है लेडी ऑफिसर, हमारी वल्दियत में चांकिया जैसे खतरनाक मुजरिम का नाम आता है। हम तीनों खिलौनों से नहीं कानून से आंख मिचोली खेलकर जवान हुए हैं। तुम लोग मुझे पहचान चुके हो तो फिर इतना जरूर जान लो, जुर्म चाहे किसी शातर कौवे की तरह हमालिया की चोटी पर भी डेरा टाल दे, पर कानून उसे औकात की तरह अपने पंजों में दबोच लेता है। नहीं श्री खान, नहीं, ये तुम्हारा ख्वाब है। तुम सांपों की बिल में घुसकर उनके जहर से नहीं बच सकती। शायद तुम नहीं जानते चरम का खतरनाक से खतरनाक जहर कानून के लबों तक आकर पानी बन जाता है। ठीक कहा तुमने सरला, इस लेडी ऑफिसर के सीने में दो तोले गरम गरम सिक्का उतारकर इसे फारिग कर दो और इसकी लाश को शहर के किसी चौराहे में फेंक दो ताकि कानून का रखवाला हमारे अड्डे की तरफ आने की जुर्रत न कर सके। हथियार फेंक दो। सॉरी मिशरी, प्लान के मुताबिक मैं 10 मिनट लेट पहुंचा, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। कोई बात नहीं मिस्टर इमरान, अगर आप थोड़ी देर के बाद आते तो यहाँ से मेरी लाश पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते। ना जी ना, तुम्हारे मुंह विच बल्कि मेरे मुंह विच खाक आपा जी इस तरह की गल नहीं करी दी होंगी। तुम लोग हैरान तो होगे कि आखिर इस जाल में फंसे कैसे, लेकिन जिस दिन से तुम लोग जेल से फरार हुए हो मैं और मिस शेरी तुम्हारी तलाश में हथकड़ी लेकर फिर रहे हैं। इंस्पेक्टर। यस सर। ले चलो इन्हें। मैं यहां कैसे आया? आपको बेहोशी के आलम में हॉस्पिटल पुलिस छोड़ गई थी। पुलिस? क्रीम क्लब के तहाने से मनाशियात के आदि लोगों के साथ आपको भी पकड़ा गया था। आपके बारे में जो रिपोर्ट मिली उससे साबित हो गया कि आप इस नशे के आदि नहीं हैं, बल्कि उन मुजरिमों के चुंगल में फंस गए हैं। आपकी खुशकिस्मती है कि जहरीले नशे को आपके जिस्म से निकाल दिया गया। मेरा छोटा भाई मुन्ना कहाँ है? नशे की हालत में पकड़े जाने वाले तमाम लोग इस वक्त सिविल लाइन थाने में है। ठीक है, ले जाइए इसे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका भाई नशे का आदि मुजरिम है। बार बार जमानत कराएंगे तो आपका किरदार भी मशकूक हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा ऑफिसर कि अपने किरदार के दामन पर कोई ऐसा ताक न लगने दूं जिसकी वजह से मुझे दोबारा यहां आना पड़े। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं चांकिया साहब? लो बताओ भाई, तुम यहाँ आराम से बैठे कानून की किताबें पढ़ रहे हो और वहाँ हमारे बेटे कानून की धूप में चल रहे हैं।
मतलब की बात कीजिए, आप चाहते क्या है? आजकल तुम्हारी वकालत का डंका पूरे शहर में बज रहा है और तुम्हारी कानूनी नोकझोंक की वजह से मेरे बेटों को जेल की हवा खानी पड़ी। अब तुम मेरे लिए अपना वकालतनामा अदालत में जमा कराओगे और ये साबित करोगे कि मेरे बेटे ना तो जेल से फरार हुए और ना ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। ये बात कोर्ट में साबित होगी तो मेरे बेटे जेल से घर आएंगे, मेरे बेटे घर आएंगे तो तुम्हारा ये घर नए करेंसी नोटों की खुशबू से महक उठेगा। तुमने मुझे गलत समझा है चाकिया सेठ। सलीम अहमद सिर्फ उस माकल के लिए अपनी कानून की जबान इस्तेमाल करता है जो बिल्कुल हक बजानिब हो। अरे वकील मियां, तुम्हारे वालिद बुजुर्गवार ने तुम्हें कानून पढ़ाने पे लाखों रुपया खर्च किया है, हमारा नहीं तो कुछ उनका ही ख्याल करो। मैंने कभी किसी मुजरिम को कोर्ट में बेगुनाह साबित नहीं किया, ये मेरा वसूल है। बेकार की जिद छोड़ो सलीम अहमद और ये देखो कि चांकिया सेठ जिंदगी में पहली बार खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आया है। अब तुम चाहो तो अपना वकालतनामा महंगे दामों फरोख्त कर सकते हो। वकालत एक मुअज्जज़ पेशा है चांकिया सेठ, और तुम इस वक्त किसी तवायफ के कोठे पर नहीं, एक वकील के घर में खड़े हो। सलीम अहमद, मुझे इनकार नहीं इकरार सुनने की आदत है और मुझे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की आदत है। तुम्हारी हठधर्मी तुम्हारे लिए पछतावा बन जाएगी सलीम अहमद। अपने उसूलों में लचक पैदा करो वरना टूट जाओगे। मैं टूट तो सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। मेरे इरादे का साथ नहीं दोगे तो ये सर झुक कर न सही कट कर मेरे कदम जरूर चूमेगा। वो हशर करूंगा तुम्हारा कि लोग इस मुल्क में काला कोट पहनते हुए खौफ खाएंगे। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? तुम जैसे घटिया इंसान के लिए इससे बेहतर जवाब मेरे पास नहीं है। नाउ यू गेट आउट। गूंज में तुम्हारे खानदान की चीखें शामिल होकर कोहराम बन जाएंगी। करो राजा सलीम बेटे, ये सब कौन लोग हैं? ये आपकी खिदमत में मैं अर्ज करता हूं बुजुर्ग, हम सब मौत के फरिश्ते हैं और किबला आपके बेटे की बदतमीजी ने हमें आपका मेहमान बनने पे मजबूर किया है। अब हुजूर को मेजबानी के फराइज अंजाम देना पड़ेंगे और आपकी ये खूबसूरत और प्यारी बेटी वो लजीज स्वीट डिश बनेगी जिसे ये कमीने एक ही सांस में खा जाएंगे। कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई वकील साहब की बहन को कमरे में ले जाओ और जरा अच्छी तरह इनकी मिजाज पुरसी करो। क्या दादा
तूने मुझे दे ही दिया जाग्या। लेकिन एक बार मुझे अपनी बहन से मिल लेने दे। लो बताओ, अब हम इतने भी जालिम नहीं सलीम मियां कि मौत की आगोश में तड़पते हुए भाई को उसकी बहन से मिलने भी ना दें। छोड़ दो इसे। भैया बहनों, बहनों भैया को माफ कर देना मानो, तेरी इज्जत बचाने का इसके सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अपने भैया को माफ कर देना पर हुआ। मर तो गए हो सलीम अहमद, पर याद में तुम्हें जिंदगी भर रखूंगा। आदमी गैरतमंद हो तो तुम जैसा। ले जाओ इन तीनों की लाशों को और समंदर की गोद में फेंक दो। शीरी, कुछ पता चला? सुबह से शाम हो गई मैं शीरी, हर अच्छे बुरे आदमी से पूछगछ की, लेकिन सलीम अहमद, उनके बाप और बहन का कुछ पता नहीं चला। उन तीनों का अचानक गायब हो जाना, लगता है कि उसके पीछे कोई गहरी साजिश है। मैं सलीम के घर जाऊंगी, शायद कोई सुराग मिल जाए।
ताबूत का पहला कील है और ऐसे कई कील अभी बाकी हैं जो बवक्ते जरूरत कानून के ताबूत पर गाड़ दिए जाएंगे और फिर एडवोकेट सलीम अहमद की तरह उनको भी गहरे समंदर में गर्क कर दिया जाएगा। डॉक्टर कहते हैं अब तुम ठीक हो गए हो बाबू, जख्मों के मुंह तो भर गए हैं मगर अंदर से भी कच्चे हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा बाबू। जिंदगी मौत को शिकस्त दे चुकी है बाबा, तुम्हारी मेहनत ने एक लाश को जिंदा कर दिया है। लगता है मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले मरूंगा नहीं। खुदा का लाख लाख शुक्र है बाबू, समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंका था, उस रोज जाल में मछली तो कोई नहीं लगी मगर ये नेकी मेरे हाथ आ गई। जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है बाबा, मैं मरकर भी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार सकूंगा। अरे इसमें एहसान की कौन सी बात है बाबू, मगर एक बात तो बताओ, तुम इतने दिनों से यहां रुके हुए हो मगर तुमने एक बार भी नहीं बताया कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और ये जख्म तुम्हें किसने दिए थे। ये जख्म, ये जख्म दुश्मनों की दी हुई सौगात है बाबा, और ये सौगात उन्हीं को लौटाना है मुझे। Thank you.
सलीम मियां, ये तुम जिंदा हो या मैं? हाँ देख रहा हूं, मेरा इंतकाम मुझे मौत के मुंह से छीन लाया है चाकिया। जो कुछ तूने मेरी जिंदगी के दामन में डाला था, आज मैं तुझे वही कुछ लौटाने आया हूं। कुत्ते! माशाल्लाह माशाल्लाह, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। और दूसरी खुशी इस बात की कि आप समद भाई जैसे हरदलअजीज शख्सियत के छोटे भाई हैं। महक ने आपकी बहुत तारीफ की थी और मैं महक को इसकी पसंद की दाद देता हूं। हां याद आया, समद भाई मिले तो उसे कहना कि वो आकर पहली फुर्सत में मुझसे मिले। मैंने तुम्हारी और महक की रिश्ते की बात पक्की करनी है, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि कानून हमारा रिश्तेदार बनेगा। सॉरी यार, मैंने एक जरूरी मीटिंग पे जाना है। महक, तुम इनको चाय शाय पिलाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। है, मैंने कहा था ना इमरान कि मेरे पापा समंदर से भी बड़ा दिल रखते हैं और वो मेरी पसंद से इख्तलाफ नहीं करेंगे। अब बताओ क्या इरादा है? इरादा इरादा चलो ठीक है। तो
रुक जा। नहीं रोक सकती। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। नहीं रह। पुण्य। कहाँ जा रहे हो? वो कहीं भी नहीं भैया, वो माँ से पूछ लो। ये बदकिस्मत नशे के बगैर तड़प रहा है शेर अली, इसे एक पुड़िया पी लेने दो बेटा, नहीं तो ये मर जाएगा। नहीं माँ जी, इसकी जिंदगी बचाने के लिए इसे नशे से दूर रखना पड़ेगा। मुन्ने, मुन्ने, अपने आप को संभालो मुन्ने, इस नशे को छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो इस नशे को। क्यों इस घर की खुशियों के दुश्मन बन गए हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो इस घर की दुनिया बर्बाद हो जाएगी बेटे। मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं नशे की एक पुड़िया के लिए तुम्हें और माँ को भी छोड़ सकता हूँ। मुन्ने, और सवाल हो मुन्ने, इस नशे के जहर ने तुम्हें पागल कर दिया है। तुम नहीं जानते कि तुम इस वक्त क्या कह रहे हो। मैं सब जानता हूँ, तुम लोग मुझसे झूठी हमदर्दी जताने की कोशिश मत करो। मैं अभी जाऊंगा, हाँ, और पुड़िया लाकर तुम दोनों के सामने पीऊंगा। हाँ, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, कौन रोकता है मुझे। मुन्ने, नहीं, तुम नहीं जाओगे मुन्ने। चमा, नहीं, कोई रिश्ता नहीं मेरा किसी से। चमा, मुन्ने, रुक जा मुन्ने। मुन्ने, अब अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हारी धमकियों से कभी नहीं रुकूंगा। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया है माँ, बहुत परेशान किया है मैंने माँ, बहुत परेशान। हो सके तो अपने मुन्ने को माफ कर देना माँ। भैया, अपने प्यारे मुन्ने को माफ कर दोगे ना? माँ, तुम कातिल हो, तुम खूनी हो, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जिंदा, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी।
हासिल नहीं हुआ। इसके कातिल वो दरिंदे हैं जिन्होंने मेरे मुन्ने जैसे कई मासूमों की रगों में इलेंग का तेल शामिल करके उन्हें मौत की आगोश में भेज दिया है। मैंने आज अपने मुन्ने को मारकर इस जहाद का आगाज अपने घर से किया है। मां, मैं उन जालिमों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मां, तुम इसकी गौर लो मां, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरी आवाज माफिया के व्यापारियों को सुना देना। अपने इस वतन को नशे की लानत से आजाद करने के लिए ना किसी हीरोइन पीने वाले को जिंदा छोड़ूंगा, ना हीरोइन बेचने वाले को। राखी को कत्ल करके हमारी तंजीम की कमर में अपने चैलेंज का खंजर उतार दिया है और इस जख्म ने मुझे दीवाना बना दिया है। दीवाना। तौबा, 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 तौबा। की हिम्मत तो देखिए चंडाल साहब, उसने आपके लाडले बेटे रॉकी को ऐसी भयानक मौत दी है कि जुर्म की दुनिया में जलजला आ गया है। नहीं चमचा शेख, नहीं, अपने अल्फाज वापस लो। एक मामूली बहन हमारी तंजीम में जलजला नहीं ला सकता। इससे पहले कि हमारे दिल में बिछी हुई सफेद मातम को वक्त का हाथ उलट दे, राखी के कातिल की शहरत काट दो और उसकी लाश को अपने पांव तले रौंद दो। जाओ। नहीं। क्यों नहीं? नहीं चंडाल साहब, जज्बात के तूफान में छलांग लगाने वाले अक्सर मुंह की खाते हैं। भाई की मौत ने उस भेड़िए को शेर बना दिया है, शेर। मेरी मानिए, कानून को उसके पीछे लगाकर उसके रास्ते में
लोहे की सलाखें गाड़ दीजिए। बहुत धमाके कर चुके लेकिन अब तुम्हारा बारूद कानून की इस दीवार को तोड़कर नहीं जा सकता। मेरा रास्ता छोड़ दो डिप्टी, इसलिए कि सर पर कफन बांध कर जिहाद का आगाज करने वाले अपने अंजाम से बेखबर हो जाते हैं। लाकानूनियत को जिहाद का नाम मत दो, कानून के नाम की हथकड़ी पहन लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। डिप्टी, तुम उस जिहाद के हाथ में हथकड़ी नहीं पहना सकते जिसका आगाज मैंने अपने जवान भाई की लाश का नजराना देकर किया है। मुझे अपने मुल्क में बसने वाले लाखों भाइयों की खातिर इस मुल्क के दुश्मनों से आखिरी तब तक लड़ना है। जबकि कानून को हाथ में लेकर तुम अपने सच्चे जज्बों का प्रचार नहीं कर सकते, सिर्फ छोड़ दो वरना कानून का बारूद तुम्हारा सीना छलनी कर देगा। बारूद की धमकी मत दो टिप्पी, शेर अली ने तुम्हारे वजूद से फसली बारूद के धमाके अपने सीने पर बर्दाश्त किए हैं। चलाओ गोली। सलीम अहमद, तुम जिंदा हो? मिशन जिंदा रहे तो इंसान मरकर भी जिंदा रहता है डिप्टी साहब। शेर अली एक मुजाहिद है और मुजाहिद का रास्ता रोककर खुद को इंसानियत की नजरों से मत गिराओ डिप्टी। तुम दोनों लाकानूनियत के सहरा में भटक चुके हो सलीम अहमद, अब भी वक्त है कानून की उंगली थाम लो, शायद तुम्हें जीने का रास्ता मिल जाए। तुमने कानून पहना है और मैंने कानून पढ़ा है डिप्टी, मुझे कानून का सबक मत दो, मैं जानता हूं कानून क्या है। शायद तुम नहीं जानते कि आजाद फिजाओं में सांस लेने वाले परिंदे पिंजरे समेत तोड़ जाते हैं। हम चाह रहे हैं डिप्टी, अगर तुम्हारा समीर जिंदा है तो हमारे कदमों के निशानों पर चलते हुए उस मंदिर पर आ जाना। कानून के हवाले कर दो सलीम।
तुम भी शेरी? कानून की कब्र में हर जज्बा दफन हो जाता है सलीम, हमें अपनी ख्वाहिश पे फर्ज की तख्ती लगाकर जीना पड़ता है। पहन लो ये हथकड़ी। मैं तुम्हारी तरह कानून का कैदी नहीं, मैंने बोझ उसी वक्त उतार फेंका था जब चांकिया ने मेरे बाप को खून में नहला दिया था। मैंने वकालत की किताबें चलाने का फैसला उसी दिन कर लिया था जब अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए उसे खुद अपने हाथों से मारना पड़ा। मैंने एलएलबी की डिग्री और अपने अंदर के कानूनदान का गला उसी दिन घोंट दिया था जब चांकिया ने मेरे सीने में बारूद उतारा था। मैंने काला कोट उतार कर हाथ में बंदूक इसलिए उठाई है कि वतन दुश्मनों से लड़ने के लिए दलाइल की नहीं बारूद की जरूरत है। नहीं सलीम, मैं तुम्हें इस जुर्म की दलदल में और आगे नहीं जाने दूंगी। मेरा सफर बहुत लंबा है शीरी, मैंने चांकिया को बहुत तलाश किया है, अगर चांकिया मर जाता तो हिसाब बराबर हो जाता, लेकिन अब न जाने चांकिया को मारने के बाद मुझे इस मुल्क के कितने और चांकिया मारने होंगे। मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हें गिरफ्तारी नहीं दे सकता। नहीं, मैं तुम्हें तख्तादार तक नहीं जाने दूंगी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, जिसे आप मुजरिम समझ रहे हैं ये मुजरिम नहीं है, ये वतन का वो रखवाला है जिसने मेरे साथ मिलकर अपने वतन की हिफाजत के लिए मौत की आंखों में आंखें डाली है। पहले हम अपना फर्ज पूरा कर लें, फिर आप हथकड़ियां पहनाकर हमें गिरफ्तार करके अपना फर्ज पूरा कर लेना, हम इनकार नहीं करेंगे। आओ सलीम। मिस्टर रशीद दाऊदी, वेलकम 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 मिस्टर रशीद दाऊदी। आज तक हमारी मुलाकात सिर्फ टेलीफोन तक ही महदूद थी, लेकिन आज आपको अपने सामने पाकर बहुत खुशी हो रही है। सेम टू यू, हमें भी इस दिन खा पड़ी शिद्दत से इंतजार था। वो क्या नाम है? चंडाल। आई सी, चंडाल, चंडाल साहब। आइए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, आइए प्लीज। इनसे मिलिए, ये है जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह, हमारा जिगर चांकिया से। नाइस मीटिंग यू। हाँ, और ये है समद भाई, जिनकी तकदीर खुदा ने सोने और चांदी से लिखी है। ये गोल्डन मार्केट के वो प्रिंस है जिनके दिल की धड़कनों की लह पर गोल्डन मार्केट रक्स करती है। आदाब। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ खुशी। अब आप लोग हमसे बिजनेस के बारे में बात करें। ठीक दो घंटे के बाद हमारा पर्सनल ट्रेन हमें लेने आ रहा है। अधूरी मुलाकात दोबारा मिलने की आस दिला देती है मिस्टर दाऊदी, तुम इस बार गोल की बजाय असलहे की ताजा तरीन खेप भिजवा दो, क्योंकि हम इस मुल्क के आवाम की तकदीर गोला बारूद से लिखना चाहते हैं। खुद वारे खुद, हमें आज के अमीर जाफर से मिलकर बहुत खुशी हुआ। तुम जैसा लोग हमेशा अपने कौम की कश्ती खत्तारी के भवर में खर्क कर देता है, और हम लोग तुम जैसे इंकलाबी को बहुत पसंद करता है। तुम लोग फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए असला जरूर भेजेगा, ये हमारा प्रॉमिस है। थैंक यू, थैंक यू, डबल थैंक यू वेरी मच मिस्टर रशीद दाऊद। पहले अपने वादे की खुशी में हमारे मुल्क के तरोताजा नजारे तो देख लीजिए। नजारे
चैन मिलेगा, बड़ा प्यार मिलेगा, गोरी गोरी कन्हैया थाम लो मारे सैया, बड़ा चैन मिलेगा, बड़ा प्यार मिलेगा, बड़ा चैन मिलेगा, बड़ा प्यार मिलेगा, गोरी गोरी कन्हैया। मेरे पास आ तेरे लिए सजन करो अरमान पूरे, ले लो जुल्फों की छैया, बड़ा चैन मिलेगा, बड़ा प्यार मिलेगा, बड़ा चैन मिलेगा, बड़ा प्यार में किया गया ये फंक्शन यकीनन 100% आपको पसंद आया होगा। ऑफ कोर्स, आप जरूरत से ज्यादा ही मेहमान नवाज हैं मिस्टर चंथाल। थैंक यू। अब आप लोग हमसे बिजनेस डील के बारे में बात करें क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सही कहा आपने, इंसान के पास वक्त और जिंदगी दो ही कीमती चीजें होती हैं और यही बहुत कम होती हैं। चीनी से भी ज्यादा मीठी मिस शीरी खान। अपने रूप का पर्दा हटाकर अपने असली रूप में आइए दीप्ति क्राइम ब्रांच शीरी खान साहिबा। चंडाल साहब वाह, आपकी तेज नजरों की दाद देता हूं। जुर्म के घर कानून मेहमान बनकर आए, तौबा तौबा तौबा,
ये सब कयामत की निशानियां हैं। कयामत का तो सिर्फ तुमने नाम ही सुना है इस्मत खान। इसका अंदाजा तुम सबको उस वक्त होगा जब कानून की शक्ल में कयामत तुम सबके सरों पे टूटेगी। लो बताओ चिंडाल सेठ, कानून की इस मुंहजोर हसीना को मौत की आहोश में पहुंचा दो। नहीं चांगिया सेठ, नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कानून की इस मजबूत दीवार को गिरते हुए सिर्फ हम सब देखेंगे। मैंने इसके लिए कुछ और ही सोचा है। बोलो। मिस शीरी खान, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे कानून के रखवालों को यह बता देना चाहता हूं कि चंडाल चांडियो उस कयामत का नाम है जिस पर टूट पड़े उसे सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। चीखना चिल्लाना बंद करो, यहां तुम्हारे रोने पर कोई तर्स नहीं खाएगा, इसलिए कि ये बदरूहों का मस्कन है, यहां सिर्फ मौत रक्स करती है। मौत तुम्हें जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ा है ताकि तुम्हारी बेबसी की जिंदगी देखकर कानून वाले इबरत हासिल करें। आओ और अपने बाप की लाश को इस मुल्क की बड़ी से बड़ी कुर्सी के सामने ले जाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारा वास्ता किन बलाओं से पड़ा है। जाओ। तुम और इस स्टेशन पर क्या है? मैं इस रत्न की बेटी हूं और ये मेरे बाप की लाश है साहब, जिसे मेरे सामने कत्ल किया गया। मेरे बाप की तन सुपान चीख कर आपसे इंसाफ मांग रही है सर। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो किसी थाने या अदालत का दरवाजा खटखटाओ बेटी। मैं जानती हूँ सर, एहतजाज में डूबी हुई मेरी फरियाद इस शहर की अदालतों और थानों के बंद दरवाजों से टकराकर वापस लौट आएगी, क्योंकि मेरे बाप के कातिल वो लोग हैं सर जिनकी ताकत के साए में इस मुल्क का कानून परवरिश पा रहा है। लड़की, हम उन जालिमों को वो सजा देंगे जिसे देखकर इस मुल्क में बसने वाले आवाम हमारे इंसाफ को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। बताओ कौन है वो लोग
जो तुम्हारे बाप के कातिल हैं। चन्ना समझ भाई। आपका खादिम जांग किया। क्या ये तीनों तुम्हारे बाप के कातिल हैं? हाँ हाँ सर, यही है मेरे बाप के कातिल और इस वतन के दुश्मन। तो फिर इतना जान लो कि ये हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। तुम्हारा यहां तक आ जाना हमारी प्लानिंग का हिस्सा है, वरना हमारे गार्ड्स तुम्हें यहां तक पहुंचने का मौका कभी न देते। हाँ, वरना अब तक तो तुम अपने वालिद मोहतरम के साथ खालिक हकीकी से जा मिलते। इलाके के थाने में तुम्हारे खिलाफ पर्चा दर्ज हो चुका है, थोड़ी देर में पुलिस की बारात सरकारी डोली में बिठाकर तुम्हें यहां से ले जाएगी। अगर तुम जैसे आला औपेदारों के पीछे इन जैसे कातिल और स्मगलर मौजूद रहे तो इस मुल्क की आसाद आवाम को एक बार फिर से गुलामी की जंजीरें पहनना पड़ेगी। एक बार फिर से हमें किसी गैर मुल्की परचम तले खुट खुट कर जीना पड़ेगा। लो बताओ बीबी, ये कौम एक बार फिर से गुलाम बन जाए ये हमारा ख्वाब है, जिसकी ताबीर हम जरूर देखेंगे। नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे जब तक किसी एक भी सीने में धड़कने वाला दिल वतन की मोहब्बत में सरशार है। तुम्हारा ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। ऑफिसर, मिस शीरीन अपने बाप की कातिल है, इसे गिरफ्तार कर लो। नहीं दीदी, मेरे बाप के कातिल इसी हड़ताल के साथी है। तुम तो अपने पत्नी की मट्टी की तस्वीर जानते हो ना चिट्टी। इस सर जमीन पर पैदा होने वाली कोई भी बेटी अपने बाप को कत्ल नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ऑफिसर, ये झूठ बोल रही है। इसने अपने मफरूर आशना सलीम अहमद के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल किया, इसे गिरफ्तार कर लो। झूठ ये नहीं बोल रही, आप बोल रहे हैं। कोई भी कातिल मकतूल की लाश को उठाकर दर बदर फरियाद बनकर नहीं फिरता। आज गिरफ्तारियां जरूर होंगी, लेकिन हथकड़ियां मैं उन हाथों में पहनाऊंगा जो इसके असल हकदार है। वो बताओ। बताऊंगा मिस्टर जांकिया, लेकिन अदालत के कटहरे में। ऑल ऑफ यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे अफसोस है ऑफिसर, अब तुम अपने कानूनी तकाजे पूरे न कर सकोगे, और वो इसलिए कि यहां ना इस लड़की के बाप के कातिल मौजूद हैं और न मकतूल की लाश। हाँ
सबूत तो इस अंधेरे की कब्र में दफन हो चुके हैं मिस्टर मिल्ने, लेकिन इस हादसे ने एक और काला चेहरा बेनकाब कर दिया है। गिट्टी, इस चेहरे की पहचान तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कल तुम्हारे साथ क्या होगा, यू विल सी। नाउ यू कैन गो। मुजरिम का कानून से रिश्ता तो आप जानते ही हैं डीएसपी साहब, लेकिन अब आप इसके कारोबार के बारे में भी जान चुके होंगे। हम चाहते तो इसे गोली मार देते, लेकिन जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि आपके एहसान का बोझ हमारे सर से उतर जाए। इसे पूछिए डीएसपी साहब, ये अपने मुल्क को काले कारोबार की धुंध में लपेटकर उसे बर्बाद क्यों करना चाहता है? ये आपका भाई होते हुए मुजरिमों का साथी क्यों कर बना? पूछिए इससे। आप दोनों ने इस काली भेड़ के चेहरे से नकाब उठाकर मुझे हकीकत का मुंह दिखाया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है डीएसपी साहब, हम जा रहे हैं, लेकिन इस यकीन के साथ कि आप इसकी रगों में उतर कर असल मुजरिमों तक जरूर पहुंचेंगे। खुदा हाफिज़। यू आर अंडर अरेस्ट। हमारा रास्ता छोड़ दो ऑफिसर, वरना हमारे उठने वाले कदम तुम्हें रौंद कर गुजर जाएंगे। शेर अली, कानून मट्टी की दीवार नहीं जिसे तुम फरान सको। हम भी वो मुजरिम नहीं जिन्हें तुम पकड़ सको। नहीं शेर अली, हम कानून को गिरफ्तारी देकर भी अपनी सोचों को आजाद रख सकते हैं। सारी जिंदगी आपको फरिश्ता सीरत इंसान समझता रहा, लेकिन आज आपका यह भयानक रूप देखकर दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। काश काश आप मेरे बड़े भाई ना होते। रिश्ते की जंजीर तुम्हारे सोचने से टूट तो नहीं सकती बेटे। हाँ, सिर्फ इतना याद रखो कि मैं यहां जितनी देर तुम्हारी पाबंदी में रहूंगा, मेरी तंजीम के कानून के मुताबिक तुम्हारी सजाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। जुर्म की ताकत से मुझे डराने की कोशिश मत करो समद खान।
अपनी जबान खोलो। अगर मेरे इख्तियारात के दायरे में तुम आ गए तो तुम्हारे सरपरस्तों को तुम्हारी लाश का चेहरा भी देखना नसीब नहीं होगा। कानून की वर्दी पहन ली है तो फिर हकीकत की आंखों से देखना भी सीख लो डिप्टी। मेरी पुष्प पर इंसान नहीं, जराइम की दुनिया की वो बलाएं हैं जो अगर अपना मुंह खोले तो कानून के रखवालों के लिए जमीन तंग हो जाती है। आस्तीन के सांप अपने तहरीरी बयान में जुर्म की दुनिया के नाखुदाओं के नाम लिख दो। अगर मैंने अपने इस ओहदे का भरम कायम रखने के लिए अपनी आंखों पे फर्ज की पट्टी बांध ली तो फिर सारे रिश्ते कुर्बान हो जाएंगे। देखो जी सूफी जी, एक गल नू जरा मद्देनजर रखना। निक्के काके ने आली सिर्फ तल्ले दे दम कड्डे ने, इसलिए खुदा ना खास्ता अपने दोस्तां दी लिस्ट विच किधरे पहला नाम मेरा ना लिख देना। इस कागज पर अपने दोस्तों के पते और नाम लिख दीजिए समद भाई। अपने दोस्तों के नाम लिख दिए हैं पांडे साहब। मेरा कसूर तो बताओ डीएसपी साहब। वैसे इतनी गिद्दड़ कुटते बाद तुहाडा कसूर पूछना बनता तो नहीं। जो शट अप। हरामखोर पूछते हो कि क्या कसूर किया है तुमने। समद खान को गैर कानूनी तरीके से आजाद करके अपनी वर्दी और इस मुल्क के कानून से गद्दारी की है तुमने। नहीं सर, समद भाई आपके बड़े भाई हैं, इसी बात का लिहाज किया है मैंने। बेज़मीर इंसान, मैं जानता हूं कि तुम मुल्क दुश्मन तंजीम के वो कुत्ते हो जो दौलत की हवस में बाला हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं माफ करूंगा। वाकई सर जी, इन्होंने वाकई बड़ी कटिया हरकत की थी है। ये मेरा निक्का काका है हरकत करता तो मैं उसकी अम्मी नु तलाक दे देनी सी जी। बंद कर दो इसे। इसके साथ क्या होगा इसका फैसला कल होगा। ओके सर जी। इंस्पेक्टर पांडे पता नहीं कहां चले गए। मैं जानता हूं पांडे, 100% जानता हूं कि डीएसपी इमरान खान बहुत जज्बाती नौजवान है, लेकिन यह भी जानता हूं कि उसका यह जज्बा मौत की वादी में जाकर दम तोड़ देगा। लो बताओ भाई जिंदाल साहब, समद भाई का लिहाज छोड़ दो, जरा पांडे साहब की तरफ देखो। तौबा तौबा तौबा, कितना मारा है कमबख्त ने। भाई जिंदाल साहब, मेरा मशवरा मानो, अब अपने इस चमचे को कह कर दो। चंडाल साहब, अभी तो दो कयामतें जेल की सलाखों के अंदर जकड़ी पड़ी हैं। अगर वो बाहर आ जाए तो मेरा ख्याल है हमें ये मुल्क ही छोड़ना पड़ जाए। दुश्मन से हिसाब किताब करने के बारे में सोचो।
उसके कसीदे मत पढ़ो समझ भाई। डीएसपी इमरान ये जान चुका है कि आपको रिहा कराने में पांडे का हाथ है, पांडे का। अब तुम ही बताओ दोस्तों, दर्दी में दौड़ने वाला घोड़ा अगर लंगड़ा हो जाए तो घोड़े के मालिक को क्या करना चाहिए? मेरी समझ से तो बाहर है। मगर मेरी समझ के अंदर है चंडाल साहब। घोड़े का क्या करना चाहिए इसका जवाब मैं आपको अभी दे देता हूं। अच्छा किया समद खान, मेरा यही अंजाम होना चाहिए था। मैंने कानून की वर्दी पहनकर इसका एहतराम नहीं किया। अपने कानून को इन गद्दारों के हाथ बेचता रहा जो मेरे मुल्क की तकदीर से खेलते रहे। मुझे इसकी यही सजा मिलनी चाहिए थी, यही सजा। क्या हुआ? सर सलीम अहमद और शेर अली जेल से फरार हो गए हैं। पता नहीं ये दोनों कयामत बनकर किस पर टूटेंगे। चंडाल साहब, शाबाश मेरे जालिम भतीजे, तुम चांकिया सेठ का नाम जरूर रोशन करोगे। तुम लोग जरा चौकस रहो, मैं समद भाई, चांकिया सेठ और साहब को लेकर अभी पहुंचता हूं। आज शेर अली और सलीम अहमद को आसमान के सफर पर रवाना कर दिया जाएगा। हेलो, हाँ मैं इमरान बोल रहा हूँ। हेलो इमरान, मैं महक बोल रही हूँ। महक, तुम घबराई हुई क्यों हो? कहो क्या बात है? मैं तुम्हें एक जरूरी इत्तला देना चाहती हूँ। शेर अली और एडवोकेट सलीम अहमद बांद्रा गली के गोदाम नंबर 4 में बंद है और उन्हें मेरे बाप ने कैद किया। मेरी बेटी मेरे खिलाफ कानून से साजबाज करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मेरा बाप गद्दारी के कांटों से इस सर जमीन का कलेजा छल्ली कर दे, ये देखकर मैं खामोश नहीं रह सकती। ठीक है तो मैं ही तुम्हें खामोश कर देता हूँ। ठहरिए पापा, अपना हाथ रोक लें पापा। शेर अली और सलीम अहमद के साथ साथ लेडी पुलिस ऑफिसर शरीन खान भी हमारे कब्जे में हैं। मगर अभी एक खतरा बाकी है और उस खतरे का नाम डीएसपी इमरान खान है। कानून के समंदर की उस वेल मछली को पकड़ने के लिए महक बतौर चारा इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, कल होनी इनकलाब की तरफ हमारा पहला कदम उठेगा। वतन के उन रखवालों के साथ साथ वतन की इस रखवाले की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। Thank you.
तुम सरकारी बारूद का इस्तेमाल हम पर करना चाहते हो, मगर हम गैर मुल्की बारूद से इस मुल्क का इख्तदार बदलना चाहते हैं। कल का सूरज इस मुल्क के अवाम की तकदीर पर मातम करता हुआ गुरूब होगा। मेरे आसाद वतन के गैर मुल्की गुलामों, जब तक एक भी सरफरोश जिंदा है, कोई भी तुम जैसा वतन फरोश अपनी गद्दारी की सोच का परचम इस सरजमीन पर नहीं लहरा सकता, नहीं लहरा सकता। अरे बेवकूफो, तुम्हारे इसी जज्बे की प्रकार ने तुम्हारे इर्द गिर्द मौत का दायरा खींच दिया है। हमने वतन की सलामती के लिए अपने सर पे कफन बांध लिया है चंडाल। ये तेरे कमजोर दायरे हमारे मजबूत अज़्म को नहीं रोक सकते। इस अड्डे पर टाइम बम लगा दो, ताकि टिक टिक की आवाज में इनको मौत के धमाके सुनाई देते रहे। चलिए मिस्टर साहब, इनका तो काम हो गया, अब हम अपने बारे में सोचे। लो बताओ, आओ हरिया, चलो तुम भी। सर पर जज्बे हुब्बुल वतनी का कफन बांध कर आया हूं। अगर हम सब एक हो जाएं, तो कोई गद्दार हमको अलग अलग नहीं कर सकता। तो फिर वादा करो दोस्तों, कुछ रहे ना रहे, लेकिन इस पाक सरजमीन को कायम जरूर रहना चाहिए। कल का तुलू होने वाला सूरज अपने चेहरे पर वतन दुश्मनों का लहू सजा कर गुरूब होगा। अब इस मुल्क की तकदीर का फैसला सुना दीजिए और इन दहशत गर्दों को ये भी बता दीजिए कि इन्हें कहां कहां हमारी फतह के धमाके करने हैं। दोस्तों, हमने एक मुद्दत से ये धमाके इस मुल्क का मुकद्दर बना दिए हैं, मगर असले की ये ताजा तरीन खेप इसलिए मंगवाई है कि हर कलाशनकोफ बारूद की वो सूली बन जाए जिस पर मुहब्बे वतन तड़प तड़प कर अपनी जान दे दें, और मौत का ये भयानक रूप देखकर यहाँ के आवाम अपने जमीर को खौफ की दीवारों में चुन दे। और सुनो, असला लेकर नियत से अवाम पर गोलियां बरसाओ, लाशों पर लाशें गिराते जाओ, और इल्जाम की स्याही उस जमात के चेहरे पर लगा दो जो इस मुल्क की आजादी और सलामती के लिए अपना दिन रात एक कर रही है। याद रखना, और कुछ रहे न रहे, हमें हर हाल में इख्तदार की कुर्सी
और इस मुल्क की वो जमीन चाहिए जिसके चप्पे चप्पे पर हमारा राज हो। इस लेडी ऑफिसर का घेराव तो समझ में आता है, लेकिन तुम अपनी बेटी को बारूद की छांव में घसीट रहे हो, ये बात समझ में नहीं आई। मेरी बेटी मुझे इस मुल्क के इख्तदार में नहीं बल्कि तख्तादार पर देखना चाहती है। साहब, वतन परस्ती का जज्बा बाप की मोहब्बत पर गालिब आ चुका है। बाप अव्वल दर्जे का गद्दार है वतन और बेटी मुहिब वतन। भाई गंदाल भाई, हमें तो आपकी बेटी के खून में कुछ गड़बड़ लगती है। क्या थे? इस मुल्क दुश्मन की बात का बुरा मत मनाओ मिस्टर चंडाल, वो इसलिए कि रोशनी और अंधेरा कभी एक साथ नहीं रह सकते। समझ लो इस मुल्क के गद्दार से इस मुल्क की बेटी का हर रिश्ता टूट चुका है। मैं समझता था कि सिर्फ मर्दों को लीडर बनने का शौक है, मगर आज पता चला कि इस मुल्क की औरत भी मुंह में जबान रखती है। औरत की असमत तो तुम जैसा शैतान क्या समझेगा? औरत की कोख में पैगंबर भी खेलता है और तुम जैसा गद्दार भी। औरत जिंदा भी है और रसिया सुल्ताना भी। औरत लीडर भी है और हुक्मरान भी। औरत ने सारे जमाने को जन्म दिया मगर सारा जमाना मिलकर भी एक औरत को पैदा ना कर सका। अपने खिलाफ बोलने वाली हर आवाज दबाना हमें खूब आता है। तुम्हारी हुक्मरानी और इसकी नाफरमानी को बारूद के ढेर में दफन कर दूंगा। ना ये मुल्क रहे और ना इस मुल्क का परचम। हमारा कौमी निशान है, यह परचम हमारी आजादी की शान है और हर वतन परस्त का ईमान है। इस परचम की छांव में बसने वाले अपने वतन की खातिर एक बार तो क्या बार बार मर सकते हैं। परचम को जरा गौर से देखो, देखो, ये हमारे जज्बों की सच्ची तस्वीर है। हमारे बुजुर्गों ने अपना लहू बहाकर इस परचम का पहला दीदार किया था और आज भी हम इसकी हुर्मत बचाने के लिए अपने लहू से जमीन पर अपने सच्चे जज्बों का इकरार लिखेंगे। परचम का चांद वो हिलाली तलवार है जिससे आज वतन फरोशों का गला काटा जाएगा। आज वतन दुश्मनों से वतन के रखवाले टकराएंगे और तारीख के आराख पर कुर्बानी की वो दास्तान लिखी जाएगी जिसे पढ़कर आने वाली नस्लें तुम जैसे गद्दारों से पाक सरजमीन को महफूज रखेंगी। जिंदा रहे मेरा पाकिस्तान। Thank you.
शेर अली, तुम अभी जिंदा हो? जब तक मेरे वतन के दुश्मन जिंदा है, शेर अली को मौत नहीं आ सकती। मैं तुम गद्दारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज एक धमाका होगा और धमाके से मेरे पाक वतन को गद्दारों से निजात मिल जाएगी।